हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी तो है नहीं। अगर आप चाहें तो कराएं, चाहें तो नहीं कराएं। लेकिन अगर हम अपनी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाकर, तो हमारी पार्टनरशिप वैलिड हो जाती है और उसका एक उसको एक लीगल एंटाइटी मिल जाती है। कल अगर कोई भी इंसान अगर आपके फर्म के ख़िलाफ़ कोई भी घपला करता है, कोई भी घोटाला करता है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको काफ़ी लीगल प्रॉब्लम्स आती हैं आगे चल के। कोई भी आप किसी पर क्लेम नहीं कर सकते। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराना है, अगर हम उसे अगर हमें उसे जो है उसका प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले बिजनेस लॉ में प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, जो कि सेक्शन 658 एंड 59 में आता है। जब भी आप अपने आंसर्स याद करेंगे, सेक्शन के साथ याद करेंगे, और एग्ज़ाम में भी आप सेक्शन के साथ लिख के आएंगे, तो आपके जो नंबर मिलने की पॉसिबिलिटी है आउट ऑफ 70 वो बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा आप सेक्शन लिख कर आएंगे उतना ज़्यादा, और उसे हाईलाइट करके आएंगे उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा आपकी कॉपी चेक होने में। तो इसमें जो है हम देखेंगे पेज नंबर 208 पे, पेज नंबर 4.8 पर है। दो बुक्स, दो पब्लिकेशन की बुक है, जैसे कि आप जानते हो बिजनेस लॉ में। मैं दोनों ही पब्लिकेशन की बुक की में से पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट की एक ही पब्लिकेशन की बुक है, खाली बिजनेस लॉ की दो पब्लिकेशन की बुक है, तो आप कोई से भी ले सकते हैं। इसके 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्टेन अ स्टेटमेंट फॉर्म फ्रॉम द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सुबह आपको कहा था, या फिर आप जो है रजिस्ट्रार ऑफिस जो कि लखनऊ में है वहाँ से जाके आप फॉर्म ले सकते हैं। और फॉर्म सबसे पहले आपको लेना होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें पूछी गई है वो इन्फॉर्मेशन आप उसमें आपको फिल करनी पड़ेगी। उस इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फर्म का नाम क्या है। उस पहले अगर ऑलरेडी कोई फर्म चल रही है उस नाम से, तो उस नाम की फर्म आप नहीं कर सकते हो। प्रिंसिपल प्लेस क्या है, बरेली है, पीलीभीत है, पूरनपुर है, लखनऊ है। आप इसके अलावा जो है कि जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस पीलीभीत में बन गया, तो कोई ऐसा कोई और स्पेस तो नहीं है, प्लेस तो नहीं है जहाँ पर आप अपनी फर्म को अदर प्लेस में चलाते हो। सारे पार्टनर्स कब ज्वाइन हुए हैं, क्या ऑलरेडी सबकी डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी। सब सारे पार्टनर्स का फुल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आधार कार्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा। और फर्म का जो ड्यूरेशन है, क्या आप अगर आप मान लीजिए 5 साल के लिए बना रहे हैं, 2 साल के लिए बना रहे हैं, या पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए बना रहे हैं, कि स्पेसिफिक वर्क के लिए बना रहे हैं, वो भी सब आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड आपको लगानी पड़ेगी, साझेदारी संलेख लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था। थर्ड पॉइंट है ड्यूली वेरीफाइड बाई एंड साइड बाई ऑल द पार्टनर। जितने भी पार्टनर्स हैं सब सबके द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए वो फॉर्म, कि हाँ सब कुछ सही भरा हुआ है, और साइन होने चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर आप यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर आपको पता है क्या होता है। उसके अलावा फोर्थ पॉइंट है फाइल द स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द प्रिस्क्रिप्शन। 5,000 रुपये फीस है इस समय, आप जानते हो 5,000 रुपये फीस आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या बाई कैश या जो भी मोड के माध्यम से आप इसको दे सकते हो। और 5वां है, जब अगर सब कुछ सही हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से मिल जाता है। मैंने पूरा आपको फ्लो चार्ट आपको सुबह उसका फोटो भी भेज दिया है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा होता है रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसीजर। कई बार हमारे एग्जाम में आया, इसका पेज भी मैं आपको भेज दूंगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन एनी पॉइंट्स यू कैन आस्क मी।